पानीपत के समालखा विधानसभा अंतर्गत गांव रमाल में एक 41 वर्षीय व्यक्ति की पिटाई से गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान हुई मौत। गांव के ही लीलाराम पर लगे मारपीट करने के आरोप। प्रधानमंत्री की आयुष्मान स्कीम का कार्ड भी नहीं आया गरीब परिवार के काम। लाखों के खर्च के बाद भी नहीं बचा पाए परिजन वीरभान की जान। पुलिस ने लीलाराम व 3 अन्य के खिलाफ किया मामला दर्ज। हाँ, जो मोदी ने ये कार्ड रखा है तो इसमें हम ले गए थे, उसने जवाब दे दिया अब हम यहाँ इलाज नहीं करेंगे इसका। तो फिर हमने रखिए देखे इलाज करा। कितना खर्चा है? हमारा 5 लाख रुपया खर्चा आ गया। इसके अलावा कहीं और भी ले गए थे हॉस्पिटल में? इसके पास रोहतक भी ले गए थे, प्राइवेट में उसमें ले गए थे, टैक्स में ले गए थे। वहाँ भी मना किया गया? वहाँ भी मना करा गया। कौन सा कार्ड था वो? आयुष्मान पर। किस बात को लेकर? वो लड़ू के घर गुंडे बदमाश आया करा थे, गलत आदमी आया करे थे और मनोज तक आया एक दिन तो उन्हें मेरे तक धमकी दे भी कर मेरे पति ने जान तो मरवाऊंगी। उसने वो ही काम करे, मेरे पति मरवाई दे, उन्हें धड़कन धड़कन थी जी बाबू ना आता था पहले। ये कहाँ पे हुई मारपीट? ये गांव के पास वही हुई थी, खेतों में बैठ। कौन टाइम की बात है जी? ये सुबह 6 बजे की बात है। कितने दिन पहले की बात है? 12 तारीख। घर से कैसे फोन करके बुलाया था? कैसे फोन करके बुलाया था? किसने बुलाया था जी? लीले ने बुलाया था जी। और मैंने अपने घर वाले से पूछा तो कहाँ जावा, बोले मेरे को लीले ने बुलाया। मैं कैसा के काम हो गया, बोला मेरे को भी नहीं बताया के काम है। तो फिर हम पीछे पीछे गए ना, तो मेरे घर वाले के साथ मार दाड़ कर रहे थे और मैं बाज गई। कितने आदमी थे जी? मैं जी 4 थे 4-5 जने। किसी को तो देख नहीं पाए, मैं बैठ गई मौके पर। तो उसके बाद क्या हो गया? फिर अपने घर वाले कहाँ ले गए थे जिससे मारपीट करने के बाद? घर वाले को? हाँ जी। फिर हॉस्पिटल ले आए जी हम। तो मारपीट के दौरान मौत हुई है इनकी? मारपीट ज्यादा की अंदर? उन्होंने ज्यादा मारपीट करी ना, उस टाइम उन्होंने बोल लिया था मेरा घर वाले में, उस टाइम धड़कन धड़कन थी। उसके बाद मेरा घर वाला बोल ही कौन आज दम ही तोड़ गया। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? कड़ी से कड़ी से जमीन होनी चाहिए, यही मांग है मेरी प्रशासन से, कड़ी से कड़ी से जमीन होनी चाहिए। मृतक का नाम है वीरबान पुत्र रामकिशन है, गांव है इसका रुमाल। दिनांक 12/11/19 को कोई गांव का है लीलाराम बैरागी है, उसने उसको करीब करीब ये बता रहे हैं, जैसा कि जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया इनकी पत्नी ममतेज ने, कि सुबह करीब 4:45 से 6 बजे तक फ़ोन करता रहा कोई घूमने के लिए आ जा। उसने उसको बुलाया लीलाराम ने मृतक को, और ये पटड़ी पर घूमने के लिए चले गए। पीछे पीछे जैसा कि इन्होंने FIR में दर्ज कराया कि इसकी पत्नी भी चली गई सक होने पर, उसने देखा कि भी 3-4 आदमी इसको मार पीट रहे थे। जहाँ तो लगने के कारण परिवार वाले इसको समालखा सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। उसके बाद सीरियस होने के कारण इसको रोहतक ले गए। रोहतक वालों ने इनको दिल्ली एडमिट करा दिया, दिल्ली के लिए रेफर करा दिया। दिल्ली ना ले जाके ये अपने प्रेम हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया, और प्रेम हॉस्पिटल से जो घरवाले हैं मृतक को अपेक्स हॉस्पिटल सोनली रोड पर लेकर आए थे, जो आज सुबह 5 बजे दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए नोएडा उसमें रखवा दिया गया, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। किन धारों के तहत मुकदमा दर्ज हुआ? धारा 323-537 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ था। आज 302 इसमें जांच कर दी गई है। कितने आरोपी हैं इसमें जी? अभी आरोपी का नाम लीलाराम है, और अभी एप्लीकेशन दी है इन्होंने एक, और उनकी पत्नी पे बता रहे भी उन्होंने भी कुछ दिन पहले धमकी दी थी। नहीं, अभी तक पुरानी रंजिश का तो मैटर ही परिवार संघ खड़े हैं हमारे सामने, आपके सामने भी खड़े हैं। पुरानी रंजिश का तो कोई मैटर है नहीं, ये भी बेचारा मजदूर आदमी था। अभी कोई किस कारण की है? अभी तक कोई नहीं, कोई फिलहाल तक सामने नहीं आई लेन देन की, कोई मैटर सामने नहीं आया है अभी तक। रंजिश से संबंधित कोई बात सामने नहीं आई है। वारसन आपके सामने है, मेरे सामने है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मृतक क्या काम करता था? मृतक दिहाड़ी मजदूरी काम करता था, एज इनकी 41 थी। क्या नाम था इनका? वीरबाग उत्तर रामकिशन रमाल गांव से हैं। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन ब्रिजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।